हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो एग्जांपल है, जैसे ये दो नंबर को आपको ऐड करना है तो कैसे करोगे, सिंपल इसे लिख लो। अब देखो जो हेक्साडेसिमल में हम कैसे लिखते हैं, 0 to 9 नंबर लिखते हैं, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15 को ए बी सी डी एफ तक लिखते हैं, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में ऐसे लिखते हैं। अभी देखो 5 + b, बी क्या है हमारा 11, तो 11 + 5 करना है तो कितना हो गया 16, ठीक है 16 हो गया। अब 16 को आपको ये डेसिमल में आ गया, ठीक है। हेक्साडेसिमल 0 to 15 होते हैं, एफ तक होते हैं, ठीक है। अब 16 आ गया, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्साडेसिमल में। तो सिंपल आप 16 को डिवाइड कर लो 16 से, तो 16 1 यहाँ क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर इज 0, और इस तरीके से आप इसे कॉपी कर लोगे, ठीक है। तो इसको हम 16 को हेक्साडेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। 10, 10 का 0 इधर कैरी 1। अब 6 + 7 = 8, 9, 10, 11, 12, 12 आ गया। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, C, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया C। अब a + 2, a क्या होता है 10, तो 10 + 2 इज 12। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं C, ठीक है, तो C आ गया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप हेक्साडेसिमल एडिशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लो, जैसे सिंपल आपको ऐड करना है 77, ऐड कर लो आप 5b में, तो आप कैसे करोगे। अब देखो b + 7, b कितना होता है 11, ये तो 11 + 7 कितना हो गया 18, ठीक है। अब 18 ये डेसिमल में आया, अब 18 को हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो सिंपल आप क्या करोगे, उसे 16 से डिवाइड कर दोगे, तो 16 1 और 2 इज रिमाइंडर, और इस डायरेक्शन में कॉपी कर लोगे, यहाँ 1 पे स्टॉप कर दोगे आप, ठीक है, 16 से लेस देन हो गया, तो आप इसे कॉपी कर लो 1 2, ठीक है। तो 1 2 कॉपी कर लोगे, ये किसके इक्वल होगा 18 के, तो 18 का क्या हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होगा 1 2। अब 2 आ गया रिजल्ट में, 2 रिजल्ट में आ गया और 1 इन कैरी, ठीक है। अब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 आ गया। अब 13 को हम क्या लिख सकते हैं डी, तो यहाँ पर आ गया डी, ठीक है। तो ये आ गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर फाइनल, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई दो हेक्साडेसिमल नंबर को ऐड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।